साथ जो चल दे मेरे, बस एक राही चाहिए, नहीं कुछ नहीं और कुछ नहीं, बस एक साथी चाहिए। साथ बैठा हो मेरे तो आए मुझे सब कुछ ही रास, जिसके पास होने से ही बढ़ जाए मेरे जीने की रास, जिसके पास होने से ही बढ़ जाए मेरे जीवन की आस। न चाहूँ मैं कोई धन के खजाने, न चाहूँ कोई धन के खजाने, ना ही कोई ख्याति चाहिए, नहीं कुछ नहीं और कुछ नहीं, बस एक साथी चाहिए। आगे कई बार हम सोचते हैं कि जो भी हमारा बेटर हाफ है, वो हमारे अंदर कोई अगर दर्द है तो उसको वो समझ ले, बिना कुछ कहे वो समझ पाए, ऐसा कोई हमें चाहिए होता है। तो वहाँ मैंने लिखा कि जो मेरे बिन कुछ बोले ही, जो मेरे बिन कुछ बोले ही मेरी कुंठा को पढ़ ले, मेरी आँखों की गहराई देख जो मेरी कहानी गढ़ ले, निरअंकुश मेरे विचारों को जो थोड़ा अंकुश दे पाए, बस एक हंसी देकर अपनी मेरी सारी चिंता ले जाए, बस एक हंसी देकर अपनी मेरी सारी चिंता ले जाए। मुझ अंधियारे से दीपक को एक लौ एक बाती चाहिए, नहीं कुछ नहीं और कुछ नहीं, बस एक साथी चाहिए। हम चाहते हैं कि जो भी हमारा साथी है उसके साथ अगर हम जीवन जीते हैं तो हमारा जीवन और अच्छे से अच्छा हो जाएगा। तो वहाँ मैंने लिखा कि जिसके रंग में रंग जाने से मेरा रंग भी जाए निखर, जिसके रंग में रंग जाने से मेरा रंग भी जाए निखर, जिसके संग संग हर एक क्षण मैं पाऊँ प्रेम का चरम शिखर, जिसके संग संग हर एक क्षण में पाऊँ प्रेम का चरम शिखर, जिसकी चंचल चंचल आँखें मेरे मन को घायल कर जाए, जो काम करे ना शंखनाद, जिसकी शंखनाद से भी जिसकी नींद ना टूटे, जो काम करे ना शंखनाद वो उसकी पायल कर जाए। चाहूँ ना मैं कोई धर्म युद्ध, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की लड़ाई हमें नहीं चाहिए, ना कोई राजनीति चाहिए। चाहूँ ना मैं कोई धर्म युद्ध, बस प्रेम की पाती चाहिए, नहीं कुछ नहीं और कुछ नहीं, बस एक साथी चाहिए। अब जो हमें चाहिए, जो साथी चाहिए, या जो भी हम जिसकी ईश्वर से कामना करते हैं, वो किस प्रकार होनी चाहिए, क्या उनका नेचर होना चाहिए। तो मैंने लिखा, हो सरिता जैसी सहज सरल, सरिता मतलब नदी, और नदी जाकर सागर में मिलती है और सागर को तृप्त करती है। हो सरिता जैसी सहज सरल, सागर तर्पण कर देती हो, जो मेरी प्रेम आहुति में खुद को अर्पण कर देती हो, जिसकी छाया पड़ने भर से मरुधरा में पुष्प बिखर जाए, जिसकी छाया पड़ने भर से मरुधरा में पुष्प बिखर जाए, जीवन में जिसके आने से ये जीवन प्रखर निखर जाए, उसके बदले मिलने वाले कोई राजपाट स्वीकार नहीं, कुछ नहीं चाहिए, उसके बदले मिलने वाले कोई राजपाट स्वीकार नहीं, अब तो लगता है उसके बिन जीने का मुझे अधिकार नहीं, मिल जाए ऐसा एक प्रेमी जो रूठने को तैयार नहीं, मिल जाए ऐसा एक प्रेमी जो रूठने को तैयार नहीं, ईश्वर से यही है प्रार्थना, ईश्वर से यही है प्रार्थना कि ऐसा ही एक राही चाहिए, नहीं कुछ नहीं और कुछ नहीं, बस एक साथी चाहिए।